वेलकम डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है असमान त्वरण। पिछली वीडियो के अंदर अपने पढ़ा के त्वरण या एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो इस स्थिति में वस्तु में सदैव एक त्वरण उत्पन्न होगा। उस त्वरण के भाग में जो सेकेंड भाग है आज का, वो है असमान त्वरण। असमान त्वरण किसे कहेंगे, तो असमान का मतलब ये होता है कि जो मान समान नहीं होता है। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ नियत नहीं रहता है, परिवर्तन होता है या उसमें चेंजेस आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का जो त्वरण है वो असमान है। या मैं ये कह सकता हूं कि किसी वस्तु के द्वारा या जब वस्तु कोई गति कर रही है तो प्रत्येक सेकंड में या प्रत्येक समय अंतराल में या समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है वो असमान हो। क्या ये कल के वीडियो में हमने देखा या पिछले वीडियो में हमने देखा कि हर एक सेकंड में जो चेंजेस आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। हर एक सेकंड में जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। पहले एक सेकंड में 2 मीटर था, अगले एक सेकंड में 4 हो गया, अगले एक सेकंड में 6 हो गया, अगले एक सेकंड में कितना हो गया, 8 हो गया। तो वेग में जो परिवर्तन है वो हर एक समय में हर एक सेकंड में समान है, तो उसको हम कहेंगे समान त्वरण। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो, कैसा कि हर एक सेकंड में प्रत्येक समान समय अंतराल में इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेग में परिवर्तन है वो असमान है, इस स्थिति में वस्तु का जो त्वरण होगा उस त्वरण को बोलेंगे असमान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन असमान हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, अर्थात वस्तु असमान त्वरण से त्वरित है, असमान त्वरण से त्वरित है। ठीक है ना, या मैं ये भी कह सकता हूं, जब कोई वस्तु असमान त्वरण से त्वरित हो, असमान त्वरण से त्वरित हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार जो परिभाषा आपने लिखी है उसको नोट कर लो, एक बार देख लो, उसके बाद चलते अपन आगे। यदि अपन इसमें ग्राफ बनाना चाहें कि सर असमान त्वरण का ग्राफ कैसा होगा, समान त्वरण का ग्राफ जो था वो एक सीधी रेखा में था, लेकिन असमान में त्वरण का ग्राफ कैसा होगा, तो उसके लिए हमें कुछ मान चाहिएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक सेकंड में कितना उसका वेग चेंज होता है, और उसी बिंदुओं को लेकर अपन इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर मैं ले लेता हूं समय, जो कि अपना सेकंड में होगा, और यहां पर ले लेता हूं वेग, जो अपना मीटर पर सेकंड में होगा। समय 0 सेकंड है, 1 है 2 है 3 और ये 4, और वस्तु का जो वेग है वो हो जाएगा 0 2 3, उसके बाद 6 9, ठीक है। ये अपने पास कुछ मान है या डाटा या आंकड़ा अपने पास है। चलो अब इन मानों को लेकर अपन बनाएंगे एक ग्राफ, और उस ग्राफ को अपन यहां पर देखेंगे और समझेंगे चीजें क्या होती है। एक मान और लिख देते हैं, ये 10। तो कहने का मतलब है कि वह वस्तु 0 सेकंड पे थी, मतलब वो जब स्टार्ट
स्टार्ट ही नहीं हुआ, गतिमान ही नहीं हुई, तो उसमें इसका वेग भी जीरो था। अब जीरो से लेकर एक सेकंड, मतलब सेकंड कितना समय, एक सेकंड, एक सेकंड में इसका वेग है वो जीरो से बढ़कर दो हो गया। तो इस स्थिति में इसका जो त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब वस्तु का जो समय है वो वस्तु है वो एक सेकंड से दूसरी सेकंड में गई, तो यहाँ पर जो समय है वो कितना चेंज हुआ, एक सेकंड हुआ, यहाँ पर भी एक सेकंड है, यहाँ पर भी एक सेकंड है, लेकिन वस्तु का जो वेग है वो 2 से बढ़कर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस स्थिति में जो त्वरण आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, सर त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, 1/1 कितना, 1। तो यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर त्वरण 2 है, यहाँ पर त्वरण 1 आ रहा है, मतलब क्या, यहीं से स्टार्ट में इसमें त्वरण के मान में चेंज आ गया, तो इसको बोलेंगे असमान त्वरण कहेंगे यहाँ पर। तो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, कैसा आएगा देखना। तो यहाँ पर हमने ले लिया समय जो कि अपना सेकंड में है, और यहां पर ले लिया अपन ने वेग जो कि अपना मीटर पर सेकंड है। एक बात का ध्यान रखना, वेग समय अक्ष के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा, किसको बताएगा, त्वरण, और ग्राफ को देखकर हम पता लगाएंगे समान है या असमान है, ठीक है। अब जैसा यहां पर बनाए हुए बिंदु लिए, बिंदु बना देते हैं अपन यहां पर, तो ये 0 हो गया, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3, 4 और ये 5 सेकंड अपने पास, ये कुछ स्थिति अपने पास ऐसी थी यहाँ पर। उसके बाद अपन वेग को यहाँ पर बना देते हैं ना, तो वेग को बनाने समय ध्यान रखना कि जो मान है वो मैं 2-2 के अंतराल में लेता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड, 4, 6, 8 और ये 10 और ये आगे ऊपर ले लो, चलो 12 और ले लो। अब 0 सेकंड पर वेग कितना था, 0 था, तो बिंदु कहां जाएगा, यहां पर। उसके बाद 1 सेकंड पर वेग कितना है, 2 है, तो वो बिंदु आ गया यहां पर, ये बिंदु। उसके बाद 2 सेकंड पर वेग कितना है, 3, तो 2 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर वेग कितना, 3, तो 3 कहां पर, 2 और 4 के बीच में होगा ये अपने पास। फिर 3 सेकंड पर वेग कितना है, 6, उसके बाद 4 सेकंड पर वेग कितना है, 9, ये इतना। फिर उसके बाद 5 सेकंड पर वेग कितना है, 10, ये हमारे पास सभी मान आ गए। अब सभी बिंदुओं को मिलाओ और देखो ग्राफ कैसा आता है, तो आप देखोगे यहां पर कि जो ग्राफ है या वेग समय अक्ष का जो ग्राफ है वो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है अपने पास। कैसी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, टेढ़ी मेडी लाइन या वक्रीय। तो हम कह सकते हैं कि असमान त्वरण का जो ग्राफ होगा वो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन के रूप में या टेढ़े मेढ़े वक्र के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर आप देखो, यदि ये लाइन सीधी आती, स्ट्रेट आती, तो हम यहां पर बोलते हैं कि त्वरण कैसा होगा, समान होगा, कैसा होगा, समान त्वरण होगा। लेकिन यहां पर हमें जो ग्राफ है वो कैसा मिला है, टेढ़ा मेढ़ा मिला है। हम कहेंगे यहां पर कि यहां पर जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, असमान त्वरण होगा। तो ये कुछ इसकी परिभाषा, ग्राफ और कुछ इसके मान। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।